युवाओं ने डिसलाइक किया, इतना डिसलाइक किया कि बीजेपी आईटी सेल बोली ये वार्ड्स आ गए हैं और ये गलत हो गया है, वो गलती से हुआ है, किसी ने अपने मन से नहीं किया है। लेकिन अगर मन से नहीं किया तो आज पीएमओ का जो भी वीडियो डलेगा उस पर एक नई गाइडलाइन आ गई। दोस्तों नमस्कार, मैं आजाद हिंद आवाज के लिए मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में बार बार आ जाता हूं और बार बार ये बताने आ जाता हूं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपकी जिम्मेदारियां प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का तो ये हाल है साहब कि आजकल पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, वो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं जो अपने आप को 56 इंची का कहते थे, वो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं जो लाल लाल आंखें दिखाने का वादा करते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या ये चीन के ऊपर पोस्ट है, शायद उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये अगली पोस्ट हो सकती है। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूं वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो लोकतंत्र के खिलाफ चली जाती है। जिस लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को बचाने के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करते हैं कि विरोध की आवाज भी उठनी चाहिए, उस विरोध की आवाज को दबाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक उससे पहले का किस्सा बयान करता हूं। पंचतंत्र की कहानी नहीं सुनाना चाहता लेकिन एक पहले का एक किस्सा बयान करता हूं कि मोदी जी की मन की बात का जो वीडियो था वो युवाओं ने डिसलाइक किया, इतना डिसलाइक किया कि बीजेपी आईटी सेल बोली ये वार्ड्स आ गए हैं और ये गलत हो गया है, वो गलती से हुआ है, किसी ने अपने मन से नहीं किया है। लेकिन अगर मन से नहीं किया तो आज पीएमओ का जो भी वीडियो डलेगा उस पर एक नई गाइडलाइन आ गई कि साहब अब जो है डिसलाइक और लाइक बंद कर दिए गए हैं, केवल मोदी जी के मन की बात सुनिए, अपनी बात मत बोलिए। क्या कमाल है प्रधानमंत्री मोदी जी, इतना डरपोक तो मैंने आपको कभी समझा नहीं था। डरपोक प्रधानमंत्री हैं जो देश के लोकतंत्र और देश के युवाओं के सवालों से डर जाता हो वो प्रधानमंत्री कैसा होगा। ये 70 सालों में पहली बार हुआ है, हजूरे आला, हजूरे साहेब, हजूरे आलम, आलम हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान, अगर डर गए हो पब्लिक से, सोशल मीडिया पर रिएक्शन से, अगर बीच में आएंगे तो क्या होगा। ये जो शोशालेदारी चलती रहती है गोदी मीडिया पर आपको दिखाने के लिए कि आप बड़े बहुत नायक, आपके फैसले से बड़ी बदनामी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की भी और मोदी जी आपकी सरकार की भी, क्योंकि जिस तरह से ये आपका आया सोशल मीडिया के ट्विटर पर, इसको बहुत बुरी तरह से लिया जा रहा है और इस तरह से लिया जा रहा है कि आप लोकतंत्र की आवाज दबा देना चाहते हैं। जब आप डिसलाइक और लाइक के बटन बंद कर देंगे, कमेंट के बटन बंद कर देंगे, तो केवल आपकी ही आवाज़ सुननी पड़ेगी। आप सही हैं या गलत ये कौन आपको बताएगा। आप तीसरी आवाज़ या चौथी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते, आप अपना क्रिटिसिज्म सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा शहंशाह तो केवल नीरो हुआ था या केवल तानाशाह हिटलर हुआ था, क्या आप उनकी बराबरी करेंगे? शायद मुझे नहीं लगता कि आप करेंगे, क्योंकि आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए तो खोल देते कि ओनली फॉर हिंदूज, ऐसा कुछ बटन बनवा लेते यूट्यूब से बोल करके, क्योंकि फेसबुक आपके अंडर में चलता है, हर चीज़ आपके अंडर में चलती है। जिस तरह से छात्रों ने आपका विरोध किया और पीएमओ ने ये सारी चीज़ें ला दी, उससे लगता है कि आप चीन को तो क्या आंखें दिखाओगे, आप अपने देश के लोगों से ही डर गए हो। जबकि आप कभी बोलते थे मैं 56 इंची सेना हूं, चीन को दिखाऊंगा, पाकिस्तान को दिखाऊंगा। आप चीन के ऊपर तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका गोदी मीडिया झूठी खबरें चलाता है, उसकी भी हम अगले वीडियो में जांच साफ कर देंगे। लेकिन इस वीडियो को हम क्या टाइटल दें दोस्तों कमेंट कीजिएगा, क्या प्रधानमंत्री डरे हैं देश की जनता से, जिसकी वजह से डिसलाइक लाइक और कमेंट के बटन पीएमओ के ऊपर बंद कर दिए गए, या किसी पीएमओ को जो लोकतंत्र के द्वारा एक चुनाव प्रणाली के द्वारा चुना गया हो, क्या उसको हक है लोकतंत्र में अपने डिसलाइक लाइक बंद कर देने का, या क्या उसको हक है देश की जनता की आवाज नहीं जाएगी, बस सपेरा बीन बजाएगा और सपेरा जो बीन बजाएगा देश की जनता को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन सपेरे की बीन केवल मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चैनलों पर बजाएगा अपने तरीके से। क्या आपको पसंद आया प्रधानमंत्री मोदी जी का ये फैसला? शायद नहीं आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों कि कितनी गलत बात की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कायराना हरकत कही जाएगी। कायर है क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कि जनता की आवाज ही नहीं सुनना चाहते? अरे हमें तो बहुत गालियां देते रहते हैं वक्त हमारे YouTube चैनल पर,
हमने तो कभी कमेंट बंद नहीं किए, सबको अपनी आवाज बोलने का हक है, सबको अपनी बात कहने का हक है। हम तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, प्रधानमंत्री का दिल तो बहुत बड़ा होता है ना, वो विपक्ष की भी बातें सुनता है, वो सरकार के पक्ष के लोगों की बात सुनता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, आप दिल के बहुत छोटे निकले, 56 इंची सीना जरूर होगा आपका, लेकिन आप तो बिल्कुल गए गुजरे निकले, आप तो ललिता पवार से भी गए गुजरे निकले, आप उन सीरियलों के नेताओं मतलब अभिनेताओं से भी गए गुजरे निकले जो अपनी आलोचना सह लेते हैं। ऐसे यूट्यूबर्स जो डालते हैं, रवीश कुमार हों चाहे मतलब जो भी पत्रकार हैं जो आपकी पॉलिसीज की आलोचना करते हैं, और फिर राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, ये ट्विटर पर जब डालते हैं और आपके भक्त जितनी गालियां बकते हैं, इन्होंने तो अपना कभी डिसलाइक लाइक बटन बंद नहीं किया, इन्होंने तो कभी अपना ऑप्शन बंद नहीं किया। लेकिन ये जो भक्त हैं जो आपको चढ़ाते रहते हैं, आप यूट्यूब पर बंद कर लोगे लेकिन डिसलाइक होने से आपको ट्विटर पर कौन रोकेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जरूर आपका मीडिया ये बात बोल सकता है कि विदेशों से लाइक कराए गए और कांग्रेस ने ये षड्यंत्र किया, ये किया, वो किया, भले ही आप देश की आवाज दबाते रहें, कब तक दबाएंगे? सवाल तो बहुत हैं, नोएडा की हत्याओं पर भी, यूपी की शासन व्यवस्था पर भी, लेकिन ये अगला वीडियो हो सकता है। लेकिन बात हम करेंगे आपके डरने की, आपके अंदर जो डर बैठा है वो बताता है कि आपको लोकतंत्र पसंद नहीं है, आप अपनी बीन बजाएंगे बिना किसी हिचक के, और ये बीन हिंदुस्तान का कोई इंसान सुनने को तैयार नहीं है। आपकी अलोकप्रियता बढ़ती जा रही है। एक बयान और आया दिग्विजय सिंह का, जिन्होंने बोला है कि बैलेट पेपर ना हुए तो 2024 के बाद चुनाव होने बंद हो जाएंगे। मैं तो बोल रहा हूं कि चुनाव तो अभी होने बंद हो गए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तानाशाही पर उतर आए, कई पीएमओ पर कोई डिसलाइक नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, ये क्या मतलब हुआ? क्या आपकी समझ में आता है दोस्तों? अगर समझ में आए तो जरूर बताना, कमेंट करके शेयर करना मत भूलिएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही मुद्दा दे दिया है, जब कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो भगवान जो है बुद्धि हर लेते हैं। भगवान पर इनका, इनको कितना विश्वास है और अपनी दाढ़ी पर कितना विश्वास है ये वो जाने, लेकिन पीएमओ का ये फैसला जो कि सोशल मीडिया पर हमको मिला, अगर वाकई में ऐसा है तो गलत है, और देश की जनता को लगता है कि गलत है, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। इस वीडियो को, वीडियो के जरिए बताएं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो उनके सलाहकार हैं वो उनको गलत सलाह दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह गलत हैं, भाई कहीं अच्छे भी हो सकते हैं। लॉकडाउन रहा, मान लेते हैं कोरोना की वजह से सारी 23.9% GST डाउन हो गई, मान लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना डर क्यों? या तो सही न्यूज चल रही है या झूठी न्यूज चल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कम से कम इसका खंडन करने के लिए आगे आना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।